तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि सोशियोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोवाइड करिए, तो आज के इस वीडियो हम सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं जैसा आप सभी को मालूम ही है, तो तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किसे समुदाय नहीं कहेंगे? ऑप्शन नंबर एक है पंचायत, बी नंबर है गांव, और सी नंबर राष्ट्र, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, पंचायत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण है? नंबर एक संस्था, बी नंबर समुदाय, और सी नंबर है सीमित, और डी नंबर है भीड़, समिति और भीड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुदाय, बी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सामाजिक संस्था होती है? ऑप्शन नंबर एक है व्यक्तियों का समूह, बी नंबर है एक भीड़, और सी नंबर है मूर्त, और डी नंबर है अमूर्त। तो एक सामाजिक जो संस्था होती है वो होती है एक अमूर्त, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो जिससे आपको बाद में हेल्प मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है? नंबर एक भारतीय जनता पार्टी, बी नंबर है शिक्षक संघ, और सी नंबर है जात पंचायत, और डी नंबर है नातेदारी। तो जो समिति समित संघ का उदाहरण नहीं है, ठीक है, समित का उदाहरण नहीं, वो है डी नंबर, नातेदारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के इसमें यानी कि फिल्टर करके आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारक समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? नंबर एक पक्षपात, और बी नंबर है वफादारी, सी नंबर सामाजिक विषमता, और डी नंबर है आदत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक विषमता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारतीय गांवों में सामाजिक अस्थिकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है जात, बी नंबर है वर्ण, और सी नंबर शिक्षा, और डी नंबर है वर्ग। वर्ण और वर्ग दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारतीय गांवों के सामाजिक का अस्थिकरण का प्रमुख आधार क्या है, वो है क्या? जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक को कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत, ठीक है, काल, सॉरी यहाँ पर टाइप करने मिस हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूँ क्या है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर काल होना चाहिए, वो टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया, आप समझ लीजिएगा काल, ठीक है, कल ये नहीं होगा। तो रामायण और महाभारत काल में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? नंबर एक ग्रामीणी, बी नंबर सरपंच, सी नंबर है मुखिया, और डी नंबर है प्रधान। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ग्रामीणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जर्नली क्वेश्चन आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। रामायण और महाभारत के काल में गाँव के मुखिया को हम ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सन 1951 की जनगणना में भारतीय गांव के वर्गीकरण का क्या आधार अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर एक है निवास, बी नंबर है कुटीर उद्योग, और सी नंबर है जनसंख्या, और डी नंबर है कृषि पर निर्भरता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है, सी नंबर। जनगणना में भारतीय गाँव को वर्गीकरण का जो आधार अपनाया गया था वो था जनसंख्या, माइंड में सेट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों में राजनीतिक क्रिया का केंद्र होता है? ऑप्शन नंबर एक है जाति पंचायत, बी नंबर राजनीतिक दल, और सी नंबर ग्राम पंचायत, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, डी नंबर है इनमें से सभी। तो गाँव में राजनीतिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो होता है क्या होता है,
ग्राम पंचायत, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, गांव में राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र होता है ग्राम पंचायत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो ऑप्शन नंबर एक है राजतत्व और बी नंबर है जनरीत और सी नंबर है नातेदारी और डी नंबर है रूढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, वो है नातेदारी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बी नंबर है सामुदायिक भावना और सी नंबर है व्यक्तियों का समूह, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय के आवश्यक तत्व इनमें से कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो जो समुदाय के आवश्यक तत्व हैं वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है, सामुदायिक भावना भी है और व्यक्तियों का समूह भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। समुदाय के परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक है, नंबर एक समान प्रथाएं, बी नंबर समान भाषा और सी नंबर समान भूभाग और डी नंबर है समान धर्म। तो समुदाय के परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक, ध्यान दीजिएगा आवश्यक कारक है वो, उसका नाम है समान भूभाग। ठीक है, आवश्यक कारक समान भूभाग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समिति कौन सी है? ठीक है, निम्नलिखित में से समिति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर एक है संविधान, बी नंबर है जनता और सी नंबर राजनीतिक दल और डी नंबर है परीक्षा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, राजनीतिक दल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है? ऑप्शन नंबर एक है गांव, बी नंबर परिवार, सी नंबर राष्ट्र और डी नंबर है विवाह। तो एक संस्था है उसका नाम है विवाह, क्योंकि एक संस्था परंपरा है विवाह। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार क्या हैं? ऑप्शन नंबर एक है पशुपालन, बी नंबर है कुटीर उद्योग, सी नंबर है कृषि और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा कि निम्न में से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर एक है पशुपालन भी है, कुटीर उद्योग भी है, कृषि भी है। तो ये सब हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं, क्योंकि पशुपालन भी आधार, कुटीर उद्योग भी, कृषि, ये सब लोग हमें करना पड़ता, मेन चीज़ें यही हैं गांव की। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी। ठीक, डी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? नंबर एक समुदाय, बी नंबर एक समाज और सी नंबर एक संस्था और डी नंबर एक समिति। तो जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे हम कहेंगे एक समुदाय, इसलिए राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो के लेखक कौन है? तो नंबर एक है थॉमस मूर, बी नंबर है सैंडरसन और सी नंबर है एवनेजर हार्वर्ड और डी नंबर है डेविस। ठीक है, तो गार्डन सिटीज ऑफ एक टुमारो एक पुस्तक है। ठीक है, तो जिसके लेखक हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एवनेजर हार्वर्ड गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो के लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से नागरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? नागरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? तो नंबर एक है दारिद्रता, बी नंबर है पर्यावरण प्रदूषण और सी नंबर है गंदी बस्तियां और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो नागरीकरण में जनित समस्या कौन सी है, यह है वो आप सभी को मालूम ही होगा। तो नंबर एक है दरिद्रता, बी नंबर है पर्यावरण प्रदूषण, डी नंबर है सी नंबर है गंदी बस्तियां और डी नंबर इनमें से नहीं, सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि नागरीकरण में जिन समस्या है वो दरिद्रता, पर्यावरण प्रदूषण और गंदी बस्तियां, ये सभी हैं, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक व सांस्कृतिक क्रियाओं के समरूपता वाले भौगोलिक भाग को क्या कहते हैं? नंबर एक गांव, बी नंबर है नगर, सी नंबर है क्षेत्र और डी नंबर है प्रांत। ठीक है, तो भौतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के समरूपता वाले भौगोलिक भाग को हम कहते हैं एक क्षेत्र, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र ऐसे ही होता है लेकिन वो टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, क्षेत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्था का उद्विकास किससे प्रारंभ होता है? नंबर एक लोकाचारों से, और बी नंबर है विचार से, सी नंबर जन रीतियों से और डी नंबर है प्रथाओं से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। तो अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्था का जो उद्विकास किससे प्रारंभ होता है उसका नाम है सी नंबर जन रीतियों से। ठीक है, जन रीतियों से प्रारंभ होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान दीजिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपके लिए बहुत ही यूजफुल एवं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बताए पूछे गए थे, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूं और प्रोवाइड करता ही हूं आप लोगों को। और आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं और भी क्वेश्चन ला सकूं आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर लिखा होगा sandeepinfo.com वेबसाइट का नाम है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको BA हिंदी और समाजशास्त्र बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल हैं, तो एक बार वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे ज्वाइन होकर आप सारे प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।